तो इनकी कुछ छुट्टी होगी। सो आज हमारी लास्ट क्लास है रेडियो की एंड शी वॉज द टीचर। नेक्स्ट टाइम भी चेंज हो जाएंगी। बहुत स्वीट टीचर थी और पढ़ाते भी अच्छी थी। तो रात के बज गए 9 और आज मैंने जो दिखाया था आज हमारी थी रेडियो की क्लास। तो वहाँ से हम लोग क्लास से आ गए थे, आके थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी इस टाइम पे बहुत फॉग हो रही है यहाँ पे। ये होती नहीं है यूजुअली तो, बट इट इज़ ए प्री इंडिकेशन ऑफ स्नो क्योंकि आज रात को स्नो दिखा रहा है। और कल हमारा प्लान है सुबह का इस्कॉन जाने का, क्योंकि कल है हमारी ऑनलाइन क्लास, तो सबकी ऑनलाइन है। तो तीनों कल चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। जो प्लान था आज, जब संडे को जाना था तब तो हो नहीं पाया वो, तो कल चलेंगे। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बस से। वैसे तो टैक्सी शेयर टैक्सी में जाते हैं लोग, बट हम बस में जाएंगे। देखते हैं, कुछ नया ही एक्सपीरियंस होने वाला। चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं कल का। और वहाँ पे थोड़ा कैश भी चाहिए होगा, तो नेटवर्क नहीं चलता कई बार, तो कैश रखेंगे साथ में। बिल्कुल पहली बार हुआ है आज ऐसा, इतनी फॉग हो रही है यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ से ले लिया है कुछ प्याज, यहाँ से लिए हैं ये, इसको बोलते हैं मैंडरिन अपने किन्नू टाइप, क्योंकि अभी और बनाने वाले जाके पापड़ की सब्जी, तो उसके लिए चाहिए था दही, वो मिला नहीं हमें। तो यहाँ से ले लिया सारा सामान कल का, थोड़ा बहुत खाने का भी और थोड़ा बहुत सुबह ले लेंगे फिक्स प्राइस, क्योंकि 9 बजे बंद हो जाता है। और अब जाते हैं काशपी, क्योंकि थोड़ा सा निकलवाना है कैश, तो चलते हैं काशपी और कल सुबह मिलते हैं आपको इस्कॉन टेम्पल की जर्नी। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। निकल गए हम लोग, 5 मिनट में आ रही है बस। और मौसम भी आज ठीक ही है, स्नोफॉल के चांसेस थे बट अभी तक तो नहीं है और अब नहीं होगी यही लग रहा है। 2 बसेस चेंज करनी पड़ेंगी वहाँ से और चलते हैं। अब 30 स्टॉप हैं, 1 घंटा लग जाएगा जाने जाने में। चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज, क्या होता है हमारे साथ नया। चलो, तो पहुँच गया हूँ बस स्टॉप पे, आ ही रही है बस 2 मिनट में बस। चलते हैं यहाँ से, बस स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। और ठंड तो है ही, जितना चलना पड़ेगा उतने में तो आफत आएगी आज। चलो, तो अभी यहाँ पे आ गए हम लोग, 30 स्टॉप तो कवर हो गए और काफ़ी ज़्यादा आउटर एरिया है अलमाटी का। अब एक फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कहीं और आ गया। ये है यहाँ का हाईवे, तो यहाँ पे ट्रक्स ही ट्रक्स आ रहे हैं काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा आउटर एरिया है अलमाटी का। नेट चल रहा है, ये अच्छी बात है। अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बस थी वो तो शाम को चलेगी, तो अभी कोई बस तो नहीं है बट लिफ्ट लेके जा सकते हैं, तो वही ट्राई करेंगे। मैं वेट कर रहे हैं जब तक, तो आता है वो जब तक यहाँ पे, तो हम देखते हैं कुछ खाने पीने का। यहाँ पे मैगज़ीन थी और काफ़ी आउटर में भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोर्स हैं, अच्छी बात है ये। वेट कर रहे हैं अभी उसका, आ रहा है ये फटाफट से। 2-3 स्टॉप और बाकी हैं, फिर यहाँ से देखेंगे। आज हिचाइकिंग करेंगे, हिचाइकिंग मतलब लिफ्ट लेना किसी भी स्ट्रेंजर से। तो यहाँ पे हिचाइकिंग का कल्चर है अच्छा खासा, आपको दे देते हैं लिफ्ट कहीं भी आपको जाना हो। अरे मुड़ रहे तो आ लो। अरे यार, अभी फिर से थोड़ी देर बाद आएगा। जय श्री कृष्णा, आ गया, ओ आ गया। राधे 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 राधे। अब यहाँ से लेते हैं लिफ्ट, देखते हैं कितनी देर में मिलती है। मन तो कर रहा है इंट्रक्स में चले जाएं, बिठाएगा नहीं बस। साइड हो जा। प्रिया मा, द्विस्तन हाँ स्पेशल, आजा आजा।
स्टॉप तो ये बस ले जाएगी, आगे से देख लेंगे जो भी है कि आगे कहाँ से मिलेगी बस। दो स्टॉप तो बस पे कवर कर लेते हैं, आगे फिर लिफ्ट मांग लेंगे किसी से भी। सो अभी यहाँ पे आ गए, ये लास्ट स्टॉप था। अब यहाँ से तो 6 स्टॉप और बाकी हैं और फिर उसके बाद 2.5 किलोमीटर वॉक है अंदर की तरफ। तो 6 स्टॉप हैं, जल्दी से कवर करते हैं लिफ्ट लेके, देखते हैं कोई देता है या नहीं। कृष्णा क्राम। Курс? Да, да. Пять год. Пять? То 8 лет, что ли, вообще? Не, общий 5 лет. Общий 5, да. Еще 2 осталось. Да. Все. Спасибо большое, Рахмет. Все. До свидания. Ой. स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से आना। चलो रखमत स्पेशल। क्या बात है, ये बिल्कुल, इनको कहीं और जाना था एंड स्पेशली हमें छोड़ने अंदर तक आए हैं। तो मतलब बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। चलो बोलो राधे राधे। चलो जी, ये है कुछ यहाँ का इस्कॉन टेम्पल, ये मेन एंट्रेंस है।
चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा है। हम ही हैं यहाँ पे तो आज, और तो कोई नहीं है। ये पूरा फ्रोजन है सब जमा, और ये नीचे आइस है स्नो भी नहीं है, आइस है। वो रे यहाँ के शायद पंडित जी, यही है ना। हाँ चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है क्या है। आरती तो हो गई होगी सुबह वाली ना, अब शाम को होगी, देखेंगे कि पूछते हैं कितने बजे, अगर जल्दी हुई तो अटेंड कर लेंगे आरती। ओ भाई बहुत स्लिपरी है, हरे कृष्णा। तो फाइनली आ गए यहाँ पे, चलते हैं अंदर। ये है मेन गेट, अंदर आते अगरबत्ती वाली टेंपल वाली यहाँ पे है। शूज यही उतारने हैं ना, तो यहाँ पे शूज वगैरह उतार लो, यहाँ पे जैकेट वैकेट रख दो अपनी, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो यहाँ पे रखते हैं बैग वैग। जय श्री कृष्ण। चलो चलते हैं, ये पावरमेंट ले लेना प्लीज एक, थैंक यू, आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी एक शायद भोग लगा रहे थे, और करते हैं इनसे बात, देखते हैं। ओके कोई भी आता है तो उसको लंच ज़रूर ऑफ़र करते हैं लोग, और अभी 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा ये कह रहे हैं, तो ज़रूर करेंगे, प्रसाद है। वैसे अभी कर्टन्स लगा रखे हैं इन लोगों ने। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे पंडित जी से। हरे कृष्णा कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस लाइक लेट। ओके अभी वो बिजी हैं थोड़ा, बर्तन वर्तन धो रहे, तो लंच का टाइम होने वाला ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से तब तक मैं आपको शाम में जो गौशाला है वो दिखा के आता हूँ, और थोड़ा आसपास का देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, और पूछते हैं सारा बात में से, बात ज़रूर करेंगे आज। चलो चलते हैं। तो अभी उनसे पूछा है, अभी 10 मिनट में पूजा स्टार्ट होगी यहाँ पे, 12:30 का टाइम है पूजा का, तब तक 10 मिनट हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे आसपास क्या है। ये लोग यहीं रहते हैं, तो अभी पूरा स्नो से कवर्ड है। वहाँ नीचे यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे खाना वाना बन रहा है, जो भी लंच है प्रसाद तो खाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये स्लाइड हो रहे हैं सारे, तो यहाँ पे साइड में चलते हैं, देखते हैं। गौशाला भी है,
बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है सही में। एक बार ज़रूर आना चाहिए सबको, अगर यहाँ पे हो और आ सकते हो तो ज़रूर आओ, क्योंकि और डायरेक्ट बस है, हम भी बस से ही आए हैं जितना आ सकते थे, बाद में जितना है रह गया जो लिफ्ट ले लो, मिल जाती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये अंदर जाने से तो मना कर रहे हैं अभी कि पास में नहीं जा सकते हो आप। देखते हैं, इनसे पूछते हैं क्या रीज़न है। तो अभी इन्होंने जाने दिया है हमें अंदर, तो ये गायों को खाना खिलाने ही जा रहे हैं अभी, और ये भी बोल रहे हैं 4 मिनट में आरती है, तो दर्शन करेंगे आरती का, फटाफट से चलते हैं यहाँ से देख के, गौशाला है यहाँ की। हाँ, तो आगे तो थोड़ा साफ सुथरा नहीं है और वापस अंदर भी जाना है, तो यहाँ पे गौशाला है बढ़िया। आज तक नाम ही सुना था इस्कॉन टेम्पल्स का, आज पहली बार ही देखा मैंने भी, इंडिया में भी हैं बट मैं गया नहीं हूँ कभी। अच्छा है, जो भी है काफ़ी अच्छा है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे अभी, इंडिया से बाहर हरे कृष्णा बहुत कम लोग जानते हैं, आना ज़रूर चाहिए। चलो इसके नीचे से निकलना है। चलो जी आ जाओ। हो गए ऑलमोस्ट 12:30, 1-2 मिनट बाकी हैं, वो भी जा रहे हैं सामने, एंड चलते हैं, मैं फटाफट से मोबाइल लगा दूंगा इस पर, एंड आप भी देखना, मैं भी इंजॉय करूँगा। बहुत स्लिपरी है, से मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग आ गए थे शाम को 4 बज गए थे, आते आते आके रेस्ट किया मैंने, अभी खाना वाना खा लिया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा लगे ज़्यादा ही अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बाकी कोशिश अच्छी की अच्छा बना, मैं जितना बना पाऊँ। अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं इनसे, इनके बारे में जानते हैं कि इनकी शुरुआत यहाँ पर कैसी हुई, यहाँ पर इसको उनके साथ और श्री कृष्ण की डिवोटी कैसे बने, सब कुछ नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अच्छा लगा वो लाइक कर देना, और मेरे को बहुत अच्छा लगा जाके, एक बार फिर से राधे राधे हरे कृष्णा।